फ्रेंड, मैं इधर दूध गर्म कर रही हूँ, अभी बनाऊंगी चाय। तो दूध उबल चुका है, फिर अभी बनाती हूँ चाय। अभी इसमें चाय बिठाऊंगी, पहले पानी डालती हूँ, गैस को ऑन करती हूँ। गैस ऑन हो चुका है, अभी डालूंगी दूध। ये दूध को ले लेती हूँ कप में। दूध ले लिया, अभी इसमें डालूंगी सॉसपैन में। अब मैं बनाऊंगी चाय। अभी मैं इसमें डालूंगी चाय पत्ती। इसमें डालती हूँ चीनी। देखिए कितने अच्छे से चाय उबल रहा है और हमारा चाय बन के तैयार हो गया है। अभी मैं निकालूंगी कप में। हेलो फ्रेंड, मैंने पूजा भी कर लिया है, चाय भी पी लिया है, हमारा नाश्ता वगैरह नाश्ता खाना सब हो चुका है। तो ये है शाम का टाइम, शाम 4 या 4:30 का टाइम है। झाड़ू लगा रही, अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। इधर देखिए कपड़ा सुखाया हुआ है, मम्मी जी का कपड़ा है। फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। झाड़ू वगैरह लगा लेने के बाद इधर मैं आ गई हूँ रात का खाना बनाने। रात का खाना में मैं बनाऊँगी आज कुंदरी। तो हम लोग कुंदरी ही बोलते हैं। तो कुंदरी आलू मिक्स करके इसको फ्राई करूँगी और रोटी बनाऊँगी। मुझे इसका सब्जी पसंद नहीं है, इसका भुजिया ही पसंद है, यानी कि फ्राई पसंद है। फ्राई अच्छे से आप करने से बहुत टेस्ट आता है इसमें। तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ प्याज मिर्ची और लहसुन डाल के इसको मैं फ्राई करूंगी। मैंने सब्जी काट के रख दिया था, तो मेरा भाई आया है तो उसके लिए मैं चाय बना रही हूँ। तो हम सभी के लिए चाय बना रही हूँ, मम्मी के लिए, मेरे लिए और मेरे भाई के लिए। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। मेरे हस्बैंड दूध वाली चाय नहीं पीते हैं, तो उनको काली वाली चाय चाहिए। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। इधर मैं ले लेती हूँ अदरक। अदरक को छील लूँगी अच्छे से, उसके बाद कद्दूकस करके उस चाय में डाल दूँगी। इधर देखिए मैंने कद्दूकस करके चाय में डाल दिया है। कद्दूकस करके भी आप चाय में डाल सकते हैं, अच्छा एक फ्लेवर आता है अदरक का। यहाँ देखिए चाय उबल गया है, अभी मैं चाय निकाल लेती हूँ।
अभी मैं चाय देकर आती हूँ भाई को, सासू माँ को। अभी बनाऊंगी मैं कुंदरी का भुजिया, फ्राई करूंगी। मैं इधर तेल डाल दी हूँ, कढ़ाई गर्म हो चुका था, तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। पहले मैं इसमें डालूंगी पंचफोरन, यानी कि पंचफोरन डाल दिया है। अभी इसमें डालूंगी प्याज, मिर्च और कुटी हुई लहसुन। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैं फ्राई करूंगी। इसको पूरा फ्राई नहीं करूंगी, हल्का सा करूंगी, सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं कुंदरी और आलू जो काट के रखे थे इसमें मैं डाल दूंगी। और उससे पहले मैं इसमें डालूंगी हल्दी और नमक। अभी इसको भी चला लेती हूँ अच्छे से। अभी मैं इसमें डालूंगी काटी हुई कुंदरी और आलू, डाल के अच्छे से चला के फिर 5-10 मिनट तक ढक के पकाऊंगी। अभी मैं आ गई हूँ आटा गूंदने। तो इधर देखिए मैं आटा ले ली हूँ। आटा को मैंने डिब्बे में नहीं डाला है, तो कोई नहीं, बाद में डाल लूँगी। तो अभी मैं इधर आटा ले ली हूँ, आटा को अच्छे से मैं गूंद लूँगी। आटा को गूंद के रख दूँगी 5 मिनट या 10 मिनट के लिए। वहाँ हमारा सब्जी भी बन रहा है। यहाँ देखिए हमारा सब्जी बन रहा है। तो इसको फिर और मैं पकाऊंगी, अभी तक अच्छे से नहीं पका है ये। यहाँ मैं आ गई हूँ चटनी पीसने। तो मिर्च और लहसुन पीस लिया है, तो अभी मैं इधर पीस रही हूँ पुदीना और छोटे छोटे टमाटर मिक्स करके इसका चटनी बनाऊंगी। तो पुदीना और छोटा छोटा टमाटर का चटनी बहुत ही टेस्ट लगता है। और मैं चटनी हाथ से ही पीसती हूँ, अगर पुदीना का पत्ता है तो पुदीना का चटनी हाथ से ही पीसती हूँ। और धनिया का चटनी, धनिया पत्ता का चटनी भी मैं हाथ से ही पीसती हूँ, वो मिक्सर में मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए मैं हाथ से ही पीस लेती हूँ सिलबट्टे में। तो हाथ से पिसा हुआ चटनी बहुत टेस्ट लगता है खाने में। इधर देखिए मेरा चटनी बन गया है। चटनी बनाने के बाद इधर आ गई हूँ मैं रोटी बनाने। पहले मैं छोटा सा रोटी बना के चूल्हे में चढ़ा देती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ सबके लिए रोटी। सबके लिए नहीं, मेरे लिए और सासू माँ के लिए और मेरे बाबू के लिए। मेरा हस्बैंड रोटी उतना पसंद नहीं करता है, तो चावल ही खाते हैं, क्योंकि वो बिना तेल का सब्जी खाते हैं, तो इसी वजह से उनको चावल ही पसंद है। तो इधर मैं रोटी बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ। रोटी बना ली हूँ, अब मैं जा रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए सब्जी बनाने। इधर मैंने टमाटर, अदरक और मिर्च को पीस के रख दिया है। और इधर मैंने मसाला में लिया है हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। तो इसको मैं सूखा ही कढ़ाई में भूनूंगी, तेल नहीं डालूंगी। और आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे खाते हैं बिना तेल का सब्जी। और मैंने इधर डाल दिया है टमाटर, अदरक और मिर्च का पेस्ट, थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। इसको भी अच्छे से
अब पका लूँगी। जब थोड़ा सूख जाएगा तो उसके बाद में सब्जी डालूँगी। इधर मैंने मिला लिया है नमक। देखिए सूख गया है हमारा टमाटर मसाला। अभी मैं डालती हूँ सब्जी, उसके बाद थोड़ा पानी डाल के ढक के पकाऊँगी और खाने में मिलते हैं आप लोगों के साथ। ये देखिए बॉयल सब्जी, बॉयल मतलब तेल नहीं है इसमें, मसाला मैंने सब डाला है। तो ये है मेरा हस्बैंड का खाना, चावल चटनी और ये सब्जी। हस्बैंड को, मम्मी जी को और मेरा बाबू को यानी कि मेरा बेटा को मैं खिला दूंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। ये है मेरा हस्बैंड का खाना, वो है दाल, दाल दिन का ही दाल था। तो ये है मम्मी जी का बीज वाला और ये है मेरे बाबू का दूध और रोटी। इन लोगों को खिलाने के बाद फिर मैं खाऊंगी। सब लोगों ने खा लिया, अभी मैं खाऊंगी। मैं पहले सबको इसलिए देती हूँ, अगर मैं भी साथ में बैठ जाऊँ तो मम्मी जी को झूठे हाथ से मैं खाना नहीं परोसती हूँ, इसलिए सबको खिलाती हूँ फिर खाती हूँ।